करीब हफ्ते भर से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल का सर्वर हैक हो जाने की वजह से डाउन पड़ा हुआ है। इससे ओपीडी और बाकी सर्विस प्रभावित हो रही है। सर्वर हैक होने के चलते करोड़ों मरीजों का डेटा दांव पर लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स की ओर से क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग वाली बात को खारिज कर दिया है। इस मामले में अभी भी जांच चल रही है, लेकिन अगर ये बात सच है तो हैकर्स फिरौती की रकम क्रिप्टो करेंसी में ही क्यों वसूल करते हैं, हैकर्स इसे क्यों पसंद करते हैं, हम यही बताने जा रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा होती है जो पूरी तरह कंप्यूटर एल्गोरिदम पर चलती है। इसके सारे ट्रांजैक्शंस भी कंप्यूटर से ही होते हैं, यानी इसमें कोई फिजिकल करेंसी नहीं होती। क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी की सहायता से जनरेट किया जाता है और उसके बाद रेगुलेट भी किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी शुरुआत से ही हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स का बड़ा हथियार बनी हुई है। क्रिप्टोकरेंसी यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे यूज करने वाले की पहचान उजागर नहीं की जा सकती, यानी वो पूरी तरह से गुमनाम रहता है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी की तरह काम करती है और इसमें बैंक जैसी कोई संस्था नहीं होती है। वहीं इसका दूसरा फायदा ये है कि बिटकॉइन और इसके जैसी दूसरी करेंसी को वर्चुअल वॉलेट्स में रखा जाता है। इनकी पहचान सिर्फ नंबर से ही होती है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।